अभी आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी पर आज फैसला आएगा। रेप मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने पद से हटाया था। दागी आईएएस संजीव हंस के मामले में आज फैसला आने वाला है और सुनवाई इस मामले पर चल रही है। रेप मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने उन्हें पद से हटाया था और अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने एस आई एस को पद से हटाया था। रेप का गंभीर आरोप है आई एस संजीव हंस पर। अब इसकी गिरफ्तारी पर आज फैसला होगा और इसमें पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सहयोगी चंदन जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। चंदन, आज दागी आई एस संजीव सिंह मामले पर सुनवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई हो रही है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए बिल्कुल, चूंकि आईएएस संजीव हंस जो है उन पे जो है आज जो है उनकी मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में उनके केस की जो है वो सुनवाई है और जो कयास जो है वो लगाई जा रही है। चूंकि जो पटना के सीनियर एसपी थे उन्होंने चार्जशीट में केस को शुरू कर दिया था और जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सबमिट कर दी थी और उसके बाद जो है चूंकि संजीव हंस के ठिकानों पे भी आय से अधिक संपत्ति को लेकर रेड भी हुआ था और आज उन जो है वो हाईकोर्ट में जो है इस केस का जो डेट है और आज उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि चूंकि हाईकोर्ट में डेट है और जो पीड़ित है उनका भी बयान इसके पहले जो है वो हो है तो बिल्कुल उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, अब गिरफ्तारी पर फैसला आने वाला है, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है, उसके बाद आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी पर आज फैसला आएगा। रेप मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने पद से हटाया था। दागी आईएएस संजीव हंस के मामले में आज फैसला आने वाला है और सुनवाई इस मामले पर चल रही है। रेप मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने उन्हें पद से हटाया था और अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ही सरकार ने एस आई एस को पद से हटाया था। रेप का गंभीर आरोप है आई एस संजीव हंस पर। अब इसकी गिरफ्तारी पर आज फैसला होगा और इसमें पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। चंदन, आज दागी आईएएस संजीव सिंह मामले पर सुनवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई हो रही है, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए बिल्कुल, चूंकि आईएएस संजीव हंस जो है उन पे जो है आज जो है उनकी मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में उनके केस की जो है वो सुनवाई है और जो कयास जो है वो लगाई जा रही है। चूंकि जो पटना के सीनियर एसपी थे उन्होंने चार्जशीट में केस को शुरू कर दिया था और जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को सबमिट कर दी थी और उसके बाद जो है चूंकि संजीव हंस के ठिकानों पे भी आय से अधिक संपत्ति को लेकर रेड भी हुआ था और आज उन जो है वो हाईकोर्ट में जो है इस केस का जो डेट है और आज उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि चूंकि हाईकोर्ट में डेट है और जो पीड़ित है उनका भी बयान इसके पहले जो है वो हो है तो बिल्कुल उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, अब गिरफ्तारी पर फैसला आने वाला है, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है, उसके बाद आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए।